हेलो माय डियर फ्रेंड माय फैमिली होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ वेलकम टू दिस चैनल दसन टो सेवन 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 सो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहता है तो ये टॉपिक है हो विल यू मैरी किससे होगी आपकी शादी कौन होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ठीक है लुक्स वाइज कैसे होंगे और उनका नेचर कैसा होगा मतलब कि वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे एंड आपका मैरिड लाइफ कैसा होने वाला है ठीक है एंड साथ साथ वो जो पर्सन होंगे ना कहाँ के होंगे क्या वो आपके करेंट पार्टनर होंगे जिससे आप प्यार करते हो क्या उनसे ही आपकी शादी होगी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी कब तक हो सकती है आपकी शादी ठीक है ये भी सवाल होता है और पर्सनैलिटी कैसा होगा प्रोफेशन क्या होगा तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में कि कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री ठीक है तो जो भी चीज़ें आप मैरिज से रिलेटेड जानना चाहते हो ना वो सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा एंड कुछ अगर बाकी रह जाएगा तो फिर से आपके लिए रीडिंग आ जाएगी ठीक है सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी और इंस्ट आई के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है ठीक है आप लोग किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग चाहे मैरिज से रिलेटेड हो करियर हो कुछ भी ठीक है लव लाइफ हो रिलेशनशिप हो करेंट फीलिंग हो किसी की सब कुछ आप जान सकते हो मैनिफेस्टेशन के बारे में भी जान सकते हो और राइट right. सो so, ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी जब भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी वैलिड होगी एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देकर जाएगी इसलिए जब भी आपके सामने आए आप पूरा देखना क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे आपके मैरिज से रिलेटेड ठीक है कि क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं एंड क्या करना चाहिए क्या गाइडेंस है आपके लिए क्या रेमेडीज है मैरिज के लिए ठीक है मेल हो फीमेल हो सभी लोग देख सकते हैं कोई भी जेंडर वाले हो और राइट right, कोई भी एज हो आपका आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हो सभी का हक है जानने का कि उनके फ्यूचर्स बहुत कौन होंगे एंड कहाँ से होंगे और राइट सो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी एंड कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं तो ओपन माइंडेड होकर देखना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ओके okay, सो so अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी को पायल सेलेक्शन कैसे करना है ठीक है सो पायल सेलेक्शन मैं आपको बता भी देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होंगे एंड मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ठीक है ताकि आप जो है अपना समय लेके आराम से अपने कार्ड्स एंड पाइल्स सेलेक्ट कर पाओ ऑल राइट सो अगर आपका बर्थडे डे वन से सिक्सटीन के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी ठीक है ऑल right. राइट और जो भी लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर कीजिए और आप सिर्फ कार्ड पे ध्यान दीजिए कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और जो कार्ड नहीं देखना चाहते बिल्कुल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो कार्ड को इग्नोर कीजिए और आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके देख लीजिए और राइट सो यहाँ पे है आपके लिए पाइल टू अगर आपका बर्थडे सेवनटीन से थर्टी के बीच में आता है तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी एंड देन कार्ड मैं आपको बता दूँ, यह है पाइल वन के लिए दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये लव का कार्ड है आपके लिए ठीक है देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हारमोनी का दिस इज फॉर पाइल टू सो so, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगी आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है अपनी रीडिंग देख सकते हो और राइट सो so, अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ आपको इंटीटिवली भगवान ईश्वर जीज सल्लावाही गुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को या फिर अपने पाइल को सेलेक्ट करना है ठीक है सो so, अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे हेलो पाइल वन होप कि आप अपने इस ब्यूटिफुल लव कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे वन से सिक्सटीन के बीच में आता होगा चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पर्सनल पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इंस्टाइडी के थ्रू सो so, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन होंगे कैसे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ठीक है आप सभी को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है सो so, मैं औरकल कार्ड हो गया या फिर जो भी कार्ड्स है सारे कार्ड्स यूज करके आपको बताऊँगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सो प्लीज गिव मी अक्यूरेट मैसेज फॉर माइ डियर व्यूअर्स कैसे होंगे इनके फ्यूचर यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आया है सेकेंड चक्राइट ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन है ये पर्सन यंग भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ एन एंजल ऑफ लव द गार्ड है सो so, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना आपको प्यार की परिभाषा सिखाने को आ रहे हैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस uh, कराने को आ रहे हैं एंड थिंकिंग मैन देखिए चांसेस ये भी हैं कि आप लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है ये कोई आपके करेंट पार्टनर भी हो सकते हैं एंड यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन ओ माई गॉड दट्स ग्रेट मैन होल्डिंग अ हर्ट एंड डोर टू वैल्यू ओके सो कार्ड सुपर बाय हैं और सारे कार्ड को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अब so, सो सबसे पहले ये जो पर्सन है ये पर्सन की जो ऊर्जा होगी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी अगर फॉर एग्जांपल अभी आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है तनाव में है डेफिनेटली आपका टेंशन एंड तनाव ख़त्म होगा फॉर एग्जांपल अगर आपका एज थर्टी है थर्टी टू है तो इनका एज थर्टी फोर थर्टी सिक्स हो सकता है फोर्टी थ्री आपका एज है फोर्टी फाइव इनका एज हो सकता है तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है तो एज आपके फ्यूचर पाउस का आपसे एक दो या तीन चार साल ज़्यादा हो सकता है लाइक थर्टी सिक्स फोर्टी थ्री फोर्टी नाइन फोर्टी फाइव थर्टी वन फोर्टी सिक्स ठीक है इस तरह से और यहाँ पे अगर आपका एज ट्वेंटी फाइव है तो आपके जो पर्सन है आपसे तीन चार साल बड़े होंगे लाइक ट्वेंटी एट इस तरह की एनर्जी है सो so यहाँ पे बेशुमार प्यार होगा आप दोनों के इस रिलेशनशिप में इस मैरिड लाइफ में एंड चांसेस यहाँ पे सिक्सटी परसेंट लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं सिक्सटी परसेंट चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है अगर आप अपने करेंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो ठीक है एंड ये जो पर्सन है हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी हो सो so, यहाँ पे बात की जा रही है आपकी फ्यूचर पाउस की कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इनका चक्र हिल रहता होगा ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप और भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग आपके चेहरे पे आएगा आप यंगर लगने लगोगे आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगोगे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ऑल राइट और क्या एनर्जी है मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो पर्सन है बिल्कुल एंजल की तरह दिखते होंगे अगर इनके लुक्स की बात की जाए तो ये डेफिनेटली इनका लुक्स बहुत अच्छा होगा पतले दुबले होंगे ये पर्सन फेयर भी हो सकते हैं काफ़ी रॉयल लुक इनका दिखाई दे रहा है एंड ये पर्सन डेफिनेटली स्टाइलिश होंगे मॉडर्न होंगे ओके okay? इनका चेहरा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एंगुलर होगा जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो कि जो पर्सन है इनका फेस आप देख पा रहे हो नोटिस कर पा रहे हो इसी तरह का इनका फेस हो सकता है आईज का कलर डिफरेंट हो सकता है इनको लॉन्ग हेयर रखना भी पसंद हो सकता है ठीक है ये एनर्जी है एंड ये पर्सन जो है काफी ज्यादा सोचे सोचने वाले पर्सन होंगे बहुत ज्यादा डीप थिंकर दिखाई दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कभी आपकी बात हो रही है इनसे या फर्स्ट टाइम जब इस पर्सन से आप मिल रहे हो तो ये पर्सन आपको काफी ध्यान से गौर से देखेंगे ठीक है कुछ लोगों के लिए साई भी हो सकते हैं जब आप इनके तरफ देखोगे तो उनकी नज़र जो है झुक जाएगी ठीक है ये अपना नज़र कहीं और कर लेंगे लेकिन जब आप नहीं देख रहे होगे तो ये पर्सन आपको नोटिस करेंगे ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कुछ सोचते नहीं है लेकिन हाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे ठीक है आपके साथ फैमिली बसाने का काफ़ी अच्छा इनका इरादा होगा बहुत प्योर इंटेंशन दिखाई दे रहा है ठीक है शादी के बाद ये पर्सन आपको डेफिनेटली बिगर कमिटमेंट दे रहे हैं बिगेस्ट कमिटमेंट दे रहे हैं ये एनर्जी है यहाँ पे एंड ये पर्सन काफी रिच फैमिली से भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो दो ऐसा कार्ड आया है आप देख सकते हो मैन होल्डिंग अ क्वाइन मतलब ये पर्सन डेफिनेटली फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होंगे ओके ये चीज है और यहाँ पे हो सकता है कि जब आप अपने लाइफ में पूरी तरह फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो जाओ आपका करियर एडवांसमेंट हो जाए तो मे बी उस वक्त भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं उसके बाद ही आपकी शादी हो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ओके okay, सो so यहाँ पे है कि ये जो पर्सन है डो टू वैल्यू कार्ड बता रहा है कि जब भी आपके लाइफ में आएंगे मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा लकी भी हो सकते हैं आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप जो ड्रीम जॉब हमेशा से चाह रहे थे इनके आने की वजह से वो पूरा हो जाएगा क्योंकि ये लकी है आपके लिए ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा लकी होते हैं उनके आने की वजह से लाइफ जो है चेंज होने लगता है ठीक है क्योंकि उनकी जो और होती है आपकी और से मैच करती है इसलिए उनका अफेक्ट इम्पैक्ट जो है लाइफ पे पड़ता है ये पर्सन ये लंबे होंगे इनका हाइट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है इनका हाइट मे बी फाइव टेन हो सकता है एंड उनसे उससे ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है ये चीज है और वाओ मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है सो अगर आप प्यार के बारे में सोच रहे हो कि शादी हो जाएगी ठीक है हो सकता है शुरुआत में प्यार हो क्या बाद में रहेगा प्यार रहेगा या नहीं रहेगा तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो पर्सन है सुपर रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं एंड हाईली सेंसिटिव भी हो सकते हैं सो so प्यार जो है बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पे भी कार्ड देख रहे हो कि लव का कार्ड आया है आपके लिए लव कार्ड को चूज करके आए हो सो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बेशुमार प्यार करेंगे अनकंडीशनल लव होगा इन ये पर्सन आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ ये जो प्यार है शुरुआत में रहेगा ठीक है फिर आप सोच रहे होगे कि आप बाद में रहेगा या नहीं तो जैसा कि आप कार्ड में देख रहे होंगे कि आप दोनों जो बीज बोगे जिस तरीके से रिलेशनशिप पे अपने मैरिड लाइफ में मेहनत करोगे जैसा वर्कआउट करोगे एफर्ट लगाओगे वैसे ही आपका रिलेशन होगा और ऐसा लग रहा है कि यस ये पर्सन बहुत कुछ करेंगे आपके लिए आप भी बिल्कुल कमिटेड रहोगे और इसी वजह से आप दोनों का जो ये रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा जैसे कि आप दोनों हो फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है आप आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एंड यहाँ पे आप दोनों के बीच का जो प्यार है प्यार का जो बाउंडिंग है पेड़ कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है एंड काफ़ी हेल्दी ट्री दिखाई दे रहा है काफ़ी हेल्दी प्लांट दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आपका जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा ठीक है तो ये अगर आपके मन में शक है या फिर अगर हाल फिलहाल में आपका शादी हुआ है उनके लिए आप देख रहे हो तो ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच की बाउंडिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो ये पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल लव हो और ये प्यार हमेशा ही ग्रो करता जाएगा जैसे एक ट्री ग्रो करता चला जाता है ठीक है तो इसी तरीके से एनर्जी यहाँ पे है कि यस ये जो पर्सन होंगे मे बी फर्स्ट टाइम आपको देख कर ही इम्प्रेस हो जाएंगे और यस आप भी डेफिनेटली इंप्रेस होगे इस पर्सन को मना नहीं करोगे क्योंकि हमेशा से ही आप चाहते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा से ही आप चाहते हो कि पर्सन जो है ना लुक्स वाइज अच्छे हो मेरे फ्यूचर वाउस जो है वो अच्छे होने चाहिए लुक्स वाइज ठीक है ताकि लोग देखें तो बोले हाँ ठीक है वाह तुम्हारे तो हस्बैंड बहुत अच्छे है तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है तो ये सपना तो आपका डेफिनेटली पूरा होगा कि आपके जो पर्सन है वो नेचर वाइज भी अच्छे होंगे और उससे कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक्स वाइज ये पर्सन अच्छे होने वाले हैं एंजल ऑफ लव का जो ब्लेसिंग है ठीक है जो प्यार की जो एंजल होती है वो आपके ऊपर पूरी तरह ब्लेसिंग्स बरसा रही है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो लव लाइफ होगा रिलेशनशिप होगा मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये हमेशा ग्रो होता चला जाएगा ठीक है आपके जो पर्सन है ये हमेशा आपके बारे में सोचेंगे ठीक है अपने फैमिली के बारे में बेबीज़ के बारे में आगे के प्लान के बारे में सोचते रहा करेंगे ये चीज़ है शादी आपकी फिक्स होगी एंड उसके कुछ मतलब हो सकता है तीन चार मंथ के बाद शादी हो आपकी एंड उस तीन चार मंथ में आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ जाओगे ये भी एनर्जी है आपके पर्सन हो सकता है काम में बिजी रहे लेकिन ये जो है आपको याद करते रहेंगे आपको मैसेजेस कॉल वगैरह करते रह सकते हैं हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे शादी वगैरह भी फिक्स हो चुका है ठीक है एंड टेम्पल पाथ आपको कार्ड ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ठीक है थीके? इनको जो है पूजा पाठ हो सकता है करना बहुत पसंद होगा चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो ठीक है जिस भी भगवान को मानते होंगे जिस भी गॉड को मानते होंगे पूरे दिल से मानते होंगे ठीक है वर्शिप करते होंगे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और इनको होली प्लेसेस पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा फॉर एग्जाम्पल ये कभी चर्च चले जाते होंगे टेम्पल चले जाते होंगे और दरगाह वगैरह चले जाते होंगे ठीक है यहाँ पे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है उसके बाद बहुत इनका मन लगता होगा यहाँ पे ऐसा भी है कि ये पर्सन रिच है ठीक है लुक्स वाइज भी काफ़ी ज़्यादा रिच दिखाई दे रहे हैं आप देखोगे तो आप कह दोगे कि हाँ बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं काफ़ी वेल मेंटेन्ड दिखाई दे रहे हैं नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहे हैं ठीक है और फिर भी ऐसा है कि पर्सन ना निडी लुक के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं ये पर्सन एक टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं और हमेशा ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों की मदद करना इसमें बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट होगा ये मुझे तो ऐसा देख कर लग रहा है कि कितने ज़्यादा शांत स्वभाव के ये पर्सन है और साथ साथ ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है ठीक है ये टेंशन जो है ना अननेसेसरी लेते होंगे मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको इनके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है लेकिन टेंशन क्रिएट ख़ुद ही करते होंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ जैसे कि कोई बाहर का पर्सन आ गया उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो उसको लेकर सोचने लगते होंगे ठीक है फिर कोई नीडी पर्सन को देखते होंगे किसी गरीब बच्चे को देखते होंगे जो परेशान है तो उसको भी देख ये पर्सन परेशान हो जाते होंगे तो इनका जो दिल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहा है या कभी किसी बर्ड को देखते होंगे चोट लगी है तो इनको भी बहुत तकलीफ़ होती होगी इनके आंखों से आंसू आ जाते होंगे तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तो आप ये सोच कर देखो कि जब एनिमल्स से इतना लगाव है बाहर के लोगों से इतना लगाव है तो ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करेंगे ठीक है आफ्टर आप इस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस होंगे ठीक है वाइफ होंगे आप इनके आप इनके हस्बैंड होंगे तो ये एनर्जी है All right. और राइट और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूंगी सो so, इससे ये क्लियर होता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं इन्लाइटमेंट लेकर आ रहे हैं खुशियाँ लेकर आ रहे हैं ठीक है थीके? जो कि आप हमेशा से चाहते थे और राइट वाओ वोमन होल्डिंग अ हार्ट जैसे कि आप जानना चाहते हो गे पे मेल देख रहे हैं फीमेल देख रही हैं तो यहाँ पे फीमेल का तो क्लियर हो चुका है कि हाँ मेरे जो पार्टनर होंगे वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे ठीक है अब यहाँ पे मेल का भी क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन होंगी वो आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेशुमार टूट कर प्यार करते हुए दिखाई दे रही है एंड खूबसूरती की बात की जाए तो यहाँ पे बेमिसाल दिखाई पड़ रहा है इनकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है अगर बात की जाए इनकी जोडियस साइन की तो इनका जोडियक साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकता है ठीक है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस है यहाँ पर और राइट यहाँ पे दो कार्ड आया है आपके लिए कम्युनिटी ओ माई गॉड शादी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेवन मंथ लग सकता है वैसे मैं आपको कार्ड्स लेकर अच्छे से बताऊंगी लेकिन चांसेस है सेवन मंथ के अंदर आपकी शादी होकर रहेगी ये पर्सन आपको जो है फोर्टी नाइन या फिफ्टी वन डेज के अंदर मिल सकते हैं ओके सो ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं चांसेस है, है ये पर्सन एक एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर भी हो सकते हैं हीलर हो सकते हैं ठीक है लोगों को गाइड तो बहुत ज्यादा करते होंगे मतलब इनकी ऐसी एनर्जी है ना कि कहीं भी किसी के लाइफ में चले जाए तो उसके लाइफ में दुख रहेगा नहीं ठीक है अगर उस पर्सन के साथ एक घंटे के लिए पाँच मिनट के लिए भी बैठते हैं तो वो अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाएगा तो इनकी एनर्जी कुछ इस तरह है सो आप सोच के देखो ये पर्सन आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे सो यस आपकी जो जो भी दुख और दर्द है अभी की जो एनर्जी परेशानी है वो ख़त्म होगी ठीक है ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है रिश्ता है वो पहले से बहुत टाइम से चला रहा है ठीक है यहाँ चांसेस है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ठीक है बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं यहाँ पे सेवन परसेंट ही चांसेस है ट्विन फ्लेम के बाकी के लोग तो मुझे यहाँ पे सोलमेट दिखाई दे रहे हैं सो यहाँ पे अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस है ठीक है तो ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी यहाँ सिंगल हैं उनकी अरेंज मैरिज होगी एंड काफ़ी धूमधाम से होगी बात यहाँ पे यह है कि आपके जो इन लॉज होंगे ना इन लॉज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी फ़ीमेल हो सकती हैं अगर आप फीमेल देख रही हो या मेल देख रहे हो आपके इन लॉज में फीमेल बहुत सारी होंगी ठीक है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी बहुत अच्छी होंगी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो लेडीज़ हो वो आपकी एक अच्छी दोस्त बने अच्छी सपोर्टर बने ठीक है तो फीमेल के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि आपकी जो वहाँ पे इन लॉज होंगी वो आपकी ही एज की होंगी और काफ़ी अच्छी बाउंडिंग रहेगी फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो काफ़ी जल्दी आपसे क्या होगा कॉन्टैक्ट होगा आप अपनी सारी बातें शेयर करोगे ठीक है तो जैसे कि आपको कभी भी अपने सिबलिंग को मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आप जो है हमेशा पूरी तरह फैमिली वहाँ पे पाओगे ठीक है चाहे सिबलिंग की कमी हो या पेरेंट्स की कमी हो तो वो सब कुछ यहाँ पे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके इन लॉस आपके पार्टनर ठीक है ये चीज़ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे ठीक है स्टाइलिश होंगे और वेल well सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं आपके इन लॉज भी हैं और क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए प्लीज कॉल गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है आपके लिए एंड यहाँ पे है दिस वन स्ट्रैटेजी सो यहाँ पे कुछ लोग जो है काफ़ी ज्यादा दिखाई दे रहा है सो so, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी हो सकते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि शुरुआत में आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकता है हो सकता है कि उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें ढलने में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है शुरू में ठीक है ये नहीं है कि वो उनका जो रहने का तरीका है या लाइफ है वो गलत होगा ठीक है या फिर आपका लाइफ गलत है नहीं बस आपको उनके साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन काफ़ी जल्दी घुल मिल भी जाओगे ट्वेंटी वन डेज लगेगा शादी के बाद और काफ़ी अच्छा बाउंडिंग बनेगा फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी कोई न्यू प्लेस पे जाते हो किसी न्यू वर्क प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे भी दोस्ती होने में सभी लोगों के साथ ठीक है बॉस के साथ अच्छा बाउंडिंग बनने में तो टाइम लग जाता है ठीक है या फिर काम में सेटल्ड होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है वही एनर्जी है सो so, ओवरऑल एनर्जी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा आपका मैरिड लाइफ एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड खुद आया है एंजल ऑफ लव का कार्ड भी था एंजल ऑफ लव का कार्ड आपको क्लियरली ये बताया कि काफी ज्यादा ब्लेस्ड होगा आपका मैरिड लाइफ एंड काफी ज्यादा बैलेंस्ड भी होगी आपकी जिंदगी आपका मैरिड लाइफ ठीक है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है स्टेबल दिखाई दे रहा है आपका ये मैरिड लाइफ और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूंगी प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड गिव मैसेज me कैसे होंगे इनके पर्सन कैसी होगी बाउंडिंग पेज ऑफ कप्स ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जैसे कि मैंने आपको बताया शांत स्वभाव के तो होंगे और इनके चेहरे पे काफी ज्यादा स्माइल हो सकती है चेहरा चार्मिंग होगा काफी शाइन करता होगा इनका चेहरा मेंटेन करके रखते होंगे खुद को उसके साथ साथ मुझे पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे ठीक है इनका हेयर का कलर भी मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए और राइट right? ये हमेशा ही इनका एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनके पास रहो इनके साथ रहो इनके साथ टाइम स्पेंड करो ठीक है ये बिजिएस्ट पर्सन है फिर भी ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो वो करो ये पर्सन पहले ही आपको समझेंगे और आपके सारे विशेष पूरे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और राइट और क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में बताइए गॉड कप्स की एनर्जी है इट मीन्स कि यस yes, ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल होंगे ठीक है और क्या इन्फॉर्मेशन है लव लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है सिक्स ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद जो है आप किसी पेट वगैरह को रख सकते हो जैसे कि डॉग वगैरह हो गया आपका गोल्डन रिट्रीवर हो गया डॉग हो सकता है कि आपके पर्सन को रखना पसंद हो या फिर उनके पास ऐसा हो सकता है कि डॉगी वगैरह हो ठीक है या फिर शादी के बाद आप रख सकते हो डॉगी वगैरह ऐसी एनर्जी यहां दिखाई पड़ रही है यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके जो पर्सन है वो एनिमल लवर हो सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद है टू ऑफ कप्स दैट्स ग्रेट यहाँ पे तो बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आ चुका है यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होने वाली है चाहे आपका सेकेंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज या फर्स्ट मैरिज ये आपके सोलमेट होंगे ठीक है एंड हो सकता है कि थोड़ा सा कलर में डिफरेंस हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आप सांवले हो तो आपके पर्सन गोरे हो सकते हैं अगर आप गोरे हो तो मे भी वो थोड़े से सावले हो सकते हैं यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों मिलकर अपने इस लव लाइफ़ को मैरिड लाइफ को कंप्लीट कर रहे हो ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो जब आप यहाँ पे कार्ड में नोटिस कर रहे हो कि जब दोनों एक दूसरे के हाथों को थाम रहे हैं तब बहुत सारी ऊर्जा जो है उत्पन्न हो रही है एंड रेनबो जैसा कलर निकल रहा है तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों मिलके इस रिश्ते पे काम करोगे तो बहुत सुनहरा बहुत कलरफुल आपका मैरिड लाइफ होगा एंड ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस आपके जो पर्सन है वो पूरी तरह एफर्ट लगाने वाले हैं इस रिलेशन पर ठीक है जो कमिटमेंट आप चाहते हो वैसा ये कमिटमेंट देंगे बिना कुछ सवाल किए हुए ऐसी एनर्जी है ठीक है यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे और थोड़े से आपके मामले में प्यार के मामले में थोड़े बुद्धू हो सकते हैं तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इनका कभी भी कोई गलत फ़ायदा ना उठाए ठीक है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा करेंगे ट्रस्ट करेंगे और यूनिटी आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी होगी ठीक है और अगर बात की जाए कनेक्शन कैसा होगा तो काफ़ी पावरफुल कनेक्शन होगा सॉलिड कपल दिखाई दे रहे हो ये पर्सन स्टेबल होंगे ठीक है एंड सॉलिड पर्सन होंगे टू ऑफ कप्स बिल्कुल आपकी एनर्जी को कंप्लीट कर रहा है आपके मैरिड लाइफ को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिखाई पड़ रहा है इस बार जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन हैं यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही आपके पार्टनर हैं वही आपके सोलमेट हैं ठीक है एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में दो या फिर सिक्स मंथ में आ सकते हैं टू मंथ्स या सिक्स मंथ ठीक है एंड फिफ्टी वन डेज भी हो सकता है फोर्टी नाइन डेज भी हो सकता है और क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए ओके ओ माई गॉड बहुत एनर्जी है ये. सबसे पहले मैं आपको बताना बी पेज ऑफ सोर्ट्स पेज ऑफ सोर्स आपको यह बता रहा है जैसे कि आप देख रहे हो इनलाइटमेंट हो रही है आपके लाइफ में आपके लाइफ में इनलाइटमेंट के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सडन चेंजेस देख पा रही हूँ ठीक है अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रास्ता है राह है वो बदल जाएगा ठीक है यहाँ पे चांसेस हैं ये पर्सन डेफिनेटली सपोर्टिव है और ये आपके करियर एडवांसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे वेल well विशर बनेंगे मतलब आपके इन लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा वेल विशर होंगे सपोर्टर होंगे आपके ओके तो जिस तरीके से आपके पार्टनर को आपके फ्यूचर पर को प्यार मिलता है ठीक है वैसे ही प्यार आपको भी मिलेगा इन लॉस में और ये चीज है यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल एक नई एनर्जी में आ रहे हो शादी के बाद बिल्कुल एक नई एनर्जी होगी ठीक है आप रेसिडेंस आपका चेंजेस हो सकता है लोकेशन में चेंजेस हो सकता है ये भी एनर्जी है आपके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ पे प्रभाव पड़ रहा है एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि पूरी तरह कंप्लीट होने वाले हो माइंड ब्लोइंग एनर्जी आई है मे बी आपके दो बेबीज हो सकते हैं ठीक है एंड आपके जो पर्सन है ये आपके साथ हमेशा ही टाइम स्पेंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई ओकेजन वगैरह हो गया ठीक है तो ये जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आएंगे टाइम स्पेंड करने के लिए उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है मे बी आप इन लॉस के साथ भी रह सकते हो ये भी एनर्जी है एंड यस यहाँ पे डॉग होगा जरूर इनके घर में ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है ओके यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में होगी आप दोनों एक साथ ओल्डर होते हुए दिखाई पड़ रहे हो ठीक है पूरा टाइम स्पेंड करोगे जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या डिवोर्स वगैरह का सीन क्रिएट होगा तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका अच्छा और कह सकते हैं कि खुशहाल होने वाला है मैरिड लाइफ ठीक है तो जो भी कार्ड्स आ रहे हैं बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आप देख सकते हो ठीक है और क्या इन्फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे एक चीज़ कहा जाए पेंटिकल्स तो यहाँ पे आपका जो घर बार होगा जैसे घर होगा तो वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है घर भी अच्छा दिखाई दे रहा है एंड फाइनेंशियली बात की जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहोगे आप ओके सो प्लीज़ कॉट गिव मे एक्यूरेट मैसेज फॉर मे डियर व्यूअर्स फाइव ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है देखिए यहाँ पे अभी आपका सिचुएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है तकलीफ में दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा चिचड़ापन दिखाई दे रहा है यहाँ पे चांसेस हैं जो भी लोग अभी रिलेशनशिप में चल रहे हो हो सकता है कि आपका कार्मिक रिलेशन ख़त्म हो कोई न्यू पर्सन आए उनके साथ आपका रिलेशनशिप चले रिलेशनशिप जब उनके साथ आपका चलेगा उसके बाद आपकी शादी भी उस पर्सन से फिक्स होगी तो करंट जो सिचुएशन है इसका कोई रिजल्ट आउटकम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन अभी आपके लाइफ में है उनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए ही दिखाई दे रहा है ठीक है बाकी फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर से ही आपकी शादी हो सो so, यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि यस yes, आपका अभी करंट सिचुएशन कुछ इस तरह है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है लव लाइफ में स्पेशली आपका काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी दिखाई दे रहा है ठीक है डोंट वरी आप सरेंडर कर दीजिए टाइम पे डिवाइन टाइम पे जब टाइम आपका आएगा लव लाइफ पे ठीक हो जाएगा ठीक है वैसे एज ऑफ कप का एनर्जी आया है सो so, जो चीज़ें आप हमेशा से चाहते थे एक रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर यहाँ पे सेकंड मैरिज वाले भी लोग हो सकते हैं या फिर थर्ड मैरिज वाले लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है सो so, यहाँ पे चांसेस हैं कि अब आपकी जिससे शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे एंड सारी कमी जो है पूरा हो रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है और क्या है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि आपके जो पर्सन है आप हर बार यहाँ पे थ्री कार्ड्स आ चुका है थ्री कार्ड यहाँ पे ये यह बता रहा है यहाँ पे डॉग है यहाँ पे डॉग यहाँ पे डॉग ये पर्सन जो है एनिमल लवर है उसके साथ साथ इनका हो सकता है कि ऐसा कुछ काम हो जहाँ पे ये इन्वामेंट में हमेशा ही कनेक्टेड रहते होंगे नेचुरल प्लेस के ये पर्सन हो सकते हैं ठीक है ये सारी एनर्जी है ये पर्सन हंसमुख होंगे ठीक है यहाँ पे भी कार्ड आया है एंड यहाँ पे भी और राइट right, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो सकता है जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो ये आपकी बातों पे काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराएंगे हंसेंगे मतलब शुरू में ही आप जब देखोगे तो आपको फ़ील हो जाएगा कि यस यस यही पर्सन है एग्जैक्टली exactly. तो शुरू में जब आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको एग्जैक्टली exactly फील हो जाएगा कि यही आपके पर्सन है और इनसे ही आपकी शादी होगी ठीक है सो अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो पर्सन है ये पर्सन कौन से स्टेट के होंगे प्लीज़ कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज पहला आया है उत्तराखंड चंडीगढ़ अरुणाचल प्रदेश कहाँ के होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कहाँ के होंगे तमिलनाडु पंजाब लक्षद्वीप भी है एंड यहाँ पे लद्दाख है ठीक है कुछ और मैं आपको बता देती हूँ जैसे हिमाचल प्रदेश आपके लिए है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज आसाम एंड एक लास्ट है वो आपका मिजोरम ठीक है सो स्टेट्स भी अच्छे आए हैं ब्यूटीफुल स्टेट्स है अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे हो सकता है ये सारी कंट्री में वो रहते हो हायर लर्निंग के लिए काम के लिए स्पेन है एंड फ्रांस है ठीक है ऑल राइट और क्या है इंडिया प्लीज वॉट गेव मे अक्यूरेट मैसेज यूके इजिप्ट कैनेडा कहाँ के होंगे मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर पाउस जर्मनी एंड यहाँ पे पाकिस्तान भी है एंड आइसलैंड इराक है बांग्लादेश है एंड एक लास्ट है वो आपका यूएसए ठीक है सो ये सारी कंट्रीज हो सकते हैं आपके पर्सन के हो सकता है आप खुद यहां पे रह रहे हो ठीक है या फिर शादी के बाद यहां पे शिफ्ट हो सकते हो और राइट सो अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है ई टी आर एफ जे जेड डी एन एस पी वी एंड ए क्लास्ट है वो आपका एल ठीक है ये सारे नेम इनिशियल है आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड फ्यूचर वाइफ के ठीक है सो ये सारी एनर्जी है इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ सिविल इंजीनियर मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन एंड योगा इंस्ट्रक्टर फिटनेस ट्रेनर ट्रेनर, एयर होस्टेस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रेट एंड देन है जज हो सकते हैं ये पर्सन सिंगर नेवी ऑफिसर मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन हो सकते हैं मॉडल हो सकते हैं ब्यूटिशियन आ चुका है ठीक है एंड देन है यहाँ पे एक्टर गेम मेकर एंड दो तीन लास्ट में ले लेती हूँ जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर है टीचर है ट्यूटर है प्रोफेसर हो सकते हैं एंड डॉक्टर ठीक है तो सारे ही प्रोफेशन जो है अच्छे हैं अपने अपने जगह और काफ़ी अच्छे प्रोफेशन आए हैं आपके पर्सन के लिए सो so, मैं आपको बताऊंगी ये जो पर्सन है इनका लुक्स कैसा होगा ठीक है और साथ साथ इनका नेचर कैसा होगा सो so, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले है स्वीट ये पर्सन काफ़ी स्वीट होंगे हुक नोज हो सकता है एंड इमोशनल होंगे क्यूटेस्ट एनर्जी है इस पर्सन की राउंड आइस एनिमल लवर ओके जैसे कि मैंने आपको बताया आ भी चुका है बिग आइस सेल्फिश बिल्कुल नहीं होंगे सभी के लिए सोचते होंगे पूरे फैमिली के लिए ये पर्सन प्रैक्टिकल होंगे ट्रू लवर होंगे ठीक है ये चीज़ है हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया अपने लव लाइफ में अब फाइनली जिससे आपकी शादी होगी वो आपके ट्रू लवर होंगे ठीक है वेवी हेयर है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टाइलिश होंगे आपके पर्सन जैसा मैंने आपको बताया वैसे मैसेजेस आ रहे हैं क्लेवर होंगे एंड देन है यहाँ पे क्लासी होंगे ठीक है क्यूरियस नॉलेजेबल होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे एंड एक लास्ट मैं बता दूँ आपको वो है आपका ब्लैक आइज़ होगा इस पर्सन का ठीक है so, सो एनर्जी काफ़ी अच्छी है अगर आप लोग पर्सन रीडिंग चाहते हो पेड पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे जी और इंस्टा आई के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेंबर बन जाइए ओके सो चलते हैं तब तक लिए बाई टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी हेलो पाइल टू होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेंबर बन जाइए

प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहे हैं लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं ठीक है ये सारी एनर्जी है इस पर्सन की और क्या इन्फॉर्मेशन है थर्ड आई चक्र ओके यहाँ पर तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्परिचुअल दिखाई दे रहे हैं मुझे ठीक है और क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए और राइट तो ये मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन किसी के भी लाइफ में हो उस पर्सन के साथ इनकी बाउंडिंग ना बहुत अच्छी रहती होगी ठीक है और इनको जो वैल्यू नहीं देता होगा वहाँ से वो तुरंत निकलते होंगे ऐसी भी एनर्जी है तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने रिप्यूटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे कि इनकी कहाँ रिस्पेक्ट हो रही है कहाँ नहीं हो रही है ठीक है ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन ये हो सकते हैं ठीक है ठीके? ये पर्सन एक्शन में ज़्यादा बिलीव रखते होंगे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते होंगे फॉर एग्जांपल कभी कोई इनका इंसल्ट कर दिया ये पर्सन वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे काफ़ी स्मार्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं ठीक है थीके? कोई भी काम स्मार्टली करते होंगे इसलिए तो यहाँ पे ऐसा आया है क्राउन चक्र ठीक है इनके जैसा बुद्धिमान तेज तरार मुझे ऐसा कह सकते हैं कि वन ऑफ द पर्सन ये हो सकते हैं वन ऑफ़ द क्लेवरेस्ट पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है ठीक so, है सो काफ़ी तेज तरार हैं आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं ठीक है इन्होंने अपने मेहनत से अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है एंड ये पर्सन आपको ना एक मंथ के अंदर मिल सकते हैं या फिर सेवन या एट या सिक्स मंथ भी लग सकता है ठीक है जो भी हो जिससे आपकी शादी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर एनर्जी वाले दिखाई दे रहे हैं काफ़ी डायनोमिक एनर्जी होगी इस पर्सन की जोरिकसाइड इनका एरिसरियस हो सकता है एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकती है इसकी एनर्जी एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनको अकेले टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा ठीक है ये पर्सन जो है शायद कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहे होंगे ठीक है क्योंकि ये पर्सन जल्दी किसी को कमिटमेंट देते नहीं है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे ठीक है डिफेंसिव भी दिखाई दे रहे हैं सो मूविंग हॉट कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि मे बी इनको बिज़नेस में या काम के सिलसिले में ना कभी धोखा वगैरह मिला होगा ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है चांसेस यहाँ पे यह भी है कि अगर इनको कोई धोखा मिलता है या कोई बुरे पर्सन मिलते हैं या कुछ बुरा बैड एक्सपीरियंस इनकी लाइफ में होता है ना तो ये पर्सन यूँ काफ़ी तेज़ी से उन सारी चीज़ों से ना निकल जाते हैं ठीक है ठेके? ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ये ना फालतू चीज़ों को जगह ही नहीं देते अपनी ज़िंदगी में क्योंकि इनको ना जिंदगी का वैल्यू पता है ठीक है लाइफ का हर एक दिन का वैल्यू पता है हर एक मिनट हर एक पल का वैल्यू पता है तो बहुत अच्छे एंड एग्जैक्ट पर्सन आपको मिल रहे हैं जैसा आप चाहते थे तो आप सोच सकते हो कि ये जो पर्सन है ये अपने बाउंडिंग को स्ट्रांग करने पे ही ध्यान देंगे ये आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ये ज़्यादा क्लियरिटी देंगे आपको ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जब इस पर्सन से आप मिलोगे ना तो इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग एक महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी ठीक है मे भी हो सकता है कि आप दोनों के नेचर में सिमिलैरिटीज़ ना हो लेकिन फिर भी ये पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग बहुत बहुत, बहुत ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और राइट इसलिए ये कार्ड आया है आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है थोड़े से आ, कंट्रोलिंग नेचर के भी हो सकते हैं यहाँ पे चांसेस है कि ये पर्सन आपके ऊपर हमेशा अपनी निगाह बना कर रखेंगे शादी के बाद मतलब इतना आपसे प्यार करेंगे चाहेंगे कि आप ही जो है इनके लाइफ में रहो आपके लाइफ में कोई और ना आए ठीक है ठेके? आप दोनों के बीच में कोई कभी ना आए ठीक है ठेके? ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और राइट right, क्या इन्फॉर्मेशन है इनके फ्यूचर हाउस की तरफ से चेंज योर फोकस यहाँ पे यह कहा जा रहा है कुछ लोग यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में है तो आपको अपने फोकस को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन होंगे एंड कुछ लोगों का अरेंज मैरिज भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट चांसेस है अगर आप सिंगल हो तो आपके अरेंज मैरिज हो सकते हैं ठीक है एंड यहाँ पे फोर्टी परसेंट या थर्टी परसेंट ही चांसेस है कि आपकी जो शादी है लव मैरिज होगी ठीक है चांसेस कुछ भी हो यहाँ पे मैटर ये करता है कि पर्सन कैसे है जिससे शादी हो रही है वो कैसे है तो वो बहुत अच्छे होंगे ठीक है एंड यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है चेंज योर फोकस कार्ड के थ्रू कि अभी आपका जो सिचुएशन है उससे आपको डील तो थो थोड़ा करना होगा ठीक है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उससे आपको अपना ध्यान हटाना चाहिए क्योंकि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में मेंटर करेंगे एंड कोई न्यू पर्सन से ही आपकी शादी होते हुए दिखाई पड़ रही है ठीक है फाइव मंथ सिक्स मंथ सेवन मंथ लग सकता है इसके आने के ठीक है बाद ही आपकी शादी होगी ठीक है फाइव सिक्स मंथ के बाद सो so, यहाँ पे स्प्रेड योर विंग्स कार्ट के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको वो हर सारी चीज़ें देंगे जो आप डिजर्व करते हो ठीक है जो आप चाहते थे वो तो आपको मिलेगा ही लेकिन आप जो डिजर्व करते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी मतलब आपको इनके साथ कंफर्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर्सन के साथ आप घुल मिल जाओगे बातें करोगे ये चीज़ है और राइट और क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ गॉड गिव एक्यूरेट मैसेज ये इन्फॉर्मेशन आया है आपके लिए डिटैच डिटैच का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है अभी आपके लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उसके उसके साथ जो है आपको पूरी तरह अलग होना पड़ सकता है उससे डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हो क्योंकि यहाँ पे दो तीन ऐसे कार्ड आए हैं जैसे कि मूविंग ऑन कार्ड है फिर यहाँ पे डिटैच का कार्ड आ चुका है फिर चेंज और फोकस का भी कार्ड है तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनसे डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है मतलब कि वो पर्सन शायद नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस ठीक है होने वाले फ्यूचर स्पाउस नहीं है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन होंगे जो कि रिच होंगे अबंडेंट होंगे जो कि आपको सच में समझेंगे ठीक है ये चीज़ है थोड़े से डोमिनेट हो सकते हैं वो रिश्ते में थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप चाहते हो ठीक है आपके लिए बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड डिटैच कार्ड आपको ये भी दिखा रहा है कि शायद शादी के बाद आप अपने फैमिली से अलग हो सकते हो चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो दोनों के लिए है हो सकता है कि आप कहीं और किसी और लोकेशन में किसी और कंट्री किसी और स्टेट में जाके अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो जाओ ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और राइट और क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है सो बैलेंस का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के लुक्स जो होंगे ब्यूटीफुल होंगे अगर आप ब्यूटीफुल हो आपके पर्सन भी ब्यूटीफुल हैं अगर आप फेयर हो तो आपके पर्सन भी फेयर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के लुक्स में अगर कलर वगैरह की बात की जाए तो सिमिलैरिटीज़ हो सकती है इस पर्सन का आइज का कलर डिफरेंट हो सकता है इनके हेयर जो है घुंघराले भी हो सकते हैं यहाँ पे सेवेंटी परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके हेयर जो होंगे कर्ली होंगे एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है थर्टी परसेंट लोगों के लिए कि इनके जो हेयर होंगे वो ब्राउन हो सकते हैं एंड सिल्की बहुत ज़्यादा सिल्की होंगे वेवी होंगे ठीक है सो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप दोनों के जो बीच का प्यार होगा वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा ठीक है एक्वेरियस जेमनाई लिब्रा भी इनका साइन हो सकता है ठीक है और ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं समझदार दिखाई दे रहे हैं मैच्योर दिखाई दे रहे हैं सो आपको रोना धोना नहीं पड़ेगा आपके आँखों का काजल जो है वो फैलेगा नहीं ठीक है मतलब आपको ये पर्सन रुलाएंगे नहीं ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है सो ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड ये हमेशा चाहेंगे कि आप इनके लिए थोड़ा सा मेकअप करो ठीक है अच्छी ईयर वगैरह पहनो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है इनके लिए हेयर स्टाइल करो तो ये चीज़ है तो इनका बहुत ज़्यादा शौक होगा बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होंगे आपको लेकर और ये पर्सन आपके साथ लाइक like, बाइक वगैरह पे जाना बहुत पसंद करेंगे ठीक है अपने टीन के टाइम में चले जाएंगे शादी हो जाएगी लेकिन ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ अपने टीन टाइम को फिर से इन्जॉय करेंगे ठीक है जैसे कि डेटिंग पे जाना तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ रह सकते हो फैमिली से हो सकता है कि दूर रहो और बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड एज की अगर बात की जाए तो एज में डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है बहुत ठीक है बहुत ज़्यादा एज में डिफरेंस नहीं होगा आपके पर्सन थोड़े से बड़े हो सकते हैं तीन चार साल बड़े होने के चांसेस हैं तो ये चीज़ है कि खुशी बहुत होगी हारमोनियस होगा आपका ये रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली आपका ये जो रिलेशनशिप मैरिड लाइफ है वो प्यार भरा होगा बैलेंस्ड होगा ओके okay? हो सकता है कि आप हमेशा से रिलेशनशिप में रहे हो कभी आपको वो चीज़ें देखने को मिली नहीं जो आप हमेशा से चाहते थे जैसे कि बैलेंस होना एक ट्रू लव होना वो सारी चीज़ें आपको आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ से ही मिलेगी ठीक है एंड यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड है मैनिफेस्ट कार्ड आपको ये बताता है कि जैसी चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे जैसे फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट करोगे वैसे फ्यूचर पार्टनर आपको मिलेंगे वैसा फ्यूचर वैसा मैरिड लाइफ आपको मिलेगा ठीक है ये सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं मतलब सिर्फ फ्यूचर हाउस के लिए नहीं बल्कि आपके करियर के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो एंड जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो एक मंथ के अंदर या एक वीक के अंदर आपको रिजल्ट दिख सकता है ठीक है और डेफिनेटली वो सारी रिज़ल्ट आपकी फेवर में होगी आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो प्रेयर के साथ साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये जो आपका प्रेयर होगा जो ड्रीम होगा वो और भी बहुत स्ट्रांग होगा और काफ़ी जल्दी होगा कंप्लीट तो इसलिए कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट जरूर कीजिए एंड ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस जिसे आप जानते तक नहीं हो वो भी कहीं दूर बैठे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? आप इनके डेस्टिन लाइफ पार्टनर हो आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो तो ऑफकोर्स आप ही तो अट्रैक्ट हो गए ना इनके लाइफ में और क्या इन्फॉर्मेशन है वाह यहाँ पे नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ ये जो पर्सन है डेफ़िनेटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे ट्रस्ट बाउंडिंग दिखाई दे रही है ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में दिखाई पड़ रहा है ठीक है चाहे आप हो या आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे पे इक्वल ट्रस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो इस पर्सन का हेयर ब्लॉन्ड कलर भी हो सकता है लॉन्ग हेयर हो सकता है इस पर्सन का ठीक है इस पर्सन का फेवरेट कलर ग्रीन होगा और पिंक भी हो सकता है ज्वाइन स्टेबिलिटी का कार्ड है सो so, आप देख सकते हो कि आप दोनों की इस मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एंड जॉय मतलब खुशियाँ होगी ठीक है एंड काफ़ी ज़्यादा एनलाइटमेंट भी दिखाई पड़ रहा है एंड कभी भी कोई चैलेंजिंग टाइम आया तो आप दोनों मिल उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो so, और राइट सो और क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी आप अपने फैमिली वगैरह को मिस करोगे तो फिर आप प्लानिंग वगैरह करके वापस से मिलने अपने फैमिली से आ सकते हो कमिंग टुगेदर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी कोई ओकेजन हुआ तो आप अपने फैमिली के साथ इन लॉस के साथ टाइम स्पेंड करोगे सो so ये चीज़ है एंड ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू काफ़ी जल्दी आप अपने पर्सन के करीब आने वाले हो आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई पड़ रही है कमिंग टुगेदर कार्ड के थ्रू ओके यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का शादी फिक्स भी हो चुका है या टू मंथ के अंदर शादी फिक्स हो फोर मंथ के अंदर एंड यहाँ पे सगाई होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं सेवन मंथ के बाद ठीक है नर्चर सो so, आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ पहले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे कंफर्टेबल मतलब पूरे खुल के सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो क्यों क्योंकि आप दोनों के बीच में केयरिंग कनेक्शन होगा ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे ठीक है नर्चर करेंगे पैम्पर करेंगे ऐसी एनर्जी यहाँ पर है और राइट फॉर एग्जांपल आप कभी बीमार होते हो परेशान रहते हो तो ये पर्सन आपके बगल में होंगे आपके बिसाइड में होंगे ताकि आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको जो है किसी को याद ना करना पड़े मतलब फैमिली को मिस ना करो इसलिए ये पर्सन आपके पास हमेशा रहेंगे ठीक है पूरी तरह ये फैमिली को कंप्लीट कर रहे हैं कभी पेरेंट्स को मिस करोगे तो ये गार्जियन की तरह रहेंगे पेरेंट्स की तरह रहेंगे कभी आपको गाइड करेंगे ठीक है आपके पाथ पे चलने में उसके साथ साथ कभी हंसी मज़ाक जैसे कि सिबलिंग्स के साथ करते हो ठीक है फैमिली की याद तो आएगी आपको लेकिन आप खुश खुशी मन से और पॉजिटिविटी के साथ सभी चीज़ें याद करोगे ये चीज़ है ऑल राइट सो ये सारे इन्फॉर्मेशन है इस कार्ड के थ्रू और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप जो है कैसे रहोगे इस पर्सन के साथ कैसी रहेगी बाउंडिंग प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड से मैं कुछ मैसेजेस ले रही हूँ डायरेक्टली प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज वाओ हर्ट अवेकनिंग का कार्ड आया है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन शायद ही किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे एंड ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि अभी तो आपने प्यार के मामले में कुछ देखा ही नहीं है आप कुछ जानते ही नहीं हो एंड इस पर्सन के साथ आपकी हार्ट अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एंड ये जो कनेक्शन होगा फ्यूचर स्पाउस के साथ वो एक डिवाइन लव है गिविंग एंड रिसीविंग की भी एनर्जी है हो सकता है शादी से पहले या शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी गिफ्ट्स दो ठीक है आप लोग सरप्राइज एक दूसरे के लिए प्लान करके रखो बर्थडे पे सो so ये चीज़ है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा आपका ये लाइफ मैरिड लाइफ डिवाइन लव है ये सबसे अच्छा मैसेज मुझे लगा कि आप दोनों का जो प्यार है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है हो सकता है जन्मों जन्मों का कनेक्शन हो सो हार्ट अवेकनिंग ये क्लियर बता रहा है कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखना है ठीक है अभी तो आपने सिर्फ दुख और दर्द ही देखा है रिलेशनशिप में जिसके साथ भी रहे हो या हो सकता है फर्स्ट मैरिज रहा हो सेकेंड मैरिज रहा हो लेकिन अब जो आपके लाइफ में फाइनली एंटर करेंगे वो हार्ट अवेकनिंग लेकर आ रहे हैं ठीक है ठीके? और क्या इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी चीजें देखने वाले हो एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट इस पर्सन के साथ बहुत सारी चीज़ें चीज़ों के साथ आप रूबरू करोगे और क्या इन्फॉर्मेशन है ओके फेज एंड साइकिल देर इज़ अ बिगनिंग यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ ना कुछ एंड आपके लाइफ में होगा कुछ ऐसी चीजें जो आपके लाइफ में चल रही है कुछ डेलेमा कुछ इल्यूशंस परेशानी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस या कोई बैड सिचुएशन वो आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है एंड देन एक नई शुरुआत हो रही है और वो नई शुरुआत आपके पर्सन के साथ होते हुए दिखाई दे रही है तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास्ट के पर्सन को कितने टाइम तक कितने दिन तक होल्ड करके रखते हो ठीक है अगर जिस दिन रिलीज कर दिया उसी दिन से आपके लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी ठीक है ये चीज़ कहा जा रहा है सो देर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी इंडिंग ठीक है ये चीज कहा जा रहा है कि आपको इंड करने की जरूरत है कुछ चीजें ऐसी हैं आपके लाइफ में जो आपके हाथ में है चाहे तो उस चीज को आप अभी इंड कर सकते हो अपने सोच से ठीक है इसलिए कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे एंड वैसी चीजें पाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए प्लीज कॉट गिव्यूरेट मैसेज वाओ दैट्स ग्रेट मास्टर जीजस का कार्ड आ चुका है आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फॉगिवनेस का कार्ड है देखिए हो सकता है कि पास्ट में कर्म कुछ ऐसा रहा है आपका जिसके वजह से शादी में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं इसका एक सिंपल उपाय दिखाई दे रहा है रेमेडी कह सकते हैं वो है माफ़ी मांगना ठीक है माफ़ी मांग मांग लीजिए आराम से आप जो है आई एम सॉरी कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप जीजस मास्टर uh, जीजस को मानते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली मास्टर जीजस को कि प्लीज़ फॉर गिव मी आई एम सॉरी कमेंट में लिख सकते हो ठीक है अच्छा होगा कि आप यहीं पे लिखो क्योंकि आप जो है डायरेक्टली अभी अलाइन हो कनेक्टेड हो यूनिवर्स से और यूनिवर्स जो है चीजस जो है आपको अभी सुन रहे हैं ठीक है ठीके? तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट लव एंड फॉरगिवनेस मतलब कि आपके लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्यार खुशियाँ एंड फॉरगिवनेस आते हुए दिखाई पड़ रहा है ये ऐसा टाइम अभी है आपका फेस चल रहा है जहाँ पे आप अगर माफ़ी मांगते हो अपनी विशेस मांगते हो तो वो पूरा हो जाएगा एक मंथ आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कार्ड भी आया था ठीक है so, सो यहाँ पे आप लोग कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर ठीक है ये सारी चीजें जरूर लिखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अफर्मेशन है हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिलता अफर्मेशन का आप तो कमेंट में करके अपना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उनकी पर्सनालिटी कुछ फादर फिगर टाइप है मतलब वो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे आपके जो पर्सन होंगे और कभी कोई गलती होती है वो आपको माफ भी करेंगे ठीक है सो तो जो भी आप हमेशा से चाहते थे वो सारी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है चीजें ठीक है जैसे आपका सपना होगा अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर अपने ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल को लेकर तो वो चीज़ पूरा हो रहा है सो so, इस जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिए जैसे कि अफर्मेशन करना मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ अफर्मेशन वाला वो आप अफर्मेशन कर सकते हो ठीक है डेली मैं डाल दिया करूँगी जब टाइम मिले तो और राइट प्लीज गॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज मैं बता देती हूँ कैसा कनेक्शन होगा ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट यहाँ पे ग्रीन तारामा का कार्ड आ चुका है सो so, यहाँ पे क्लियर है कि आपका ये जो मैरिड लाइफ होगा वो प्रोटेक्टेड होगा आपके जो पार्टनर होंगे वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड होंगे एंड बियॉन्ड लिमिटेशन जाके आपको खुशियाँ मिल रही हैं ठीक है ठीके? ये भी दिखाई दे रहा है और राइट right. और ट्रस्ट वर्दी आपके पर्सन होने वाले हैं ग्रीन तारा माँ यहाँ पे आप लोग जो है ग्रीन तारा माँ से भी रिक्वेस्ट जरूर कीजिए ठीक है कमेंट में आप ग्रीन तारा माँ को डेडिकेटेड करके लिख सकते हो आई एम सॉरी ठीक है प्लीज़ फॉर गिव मी और मेरे जो सपने हैं शादी को लेकर जो भी आपका सपना है वो एक दो लाइन में लिख सकते हो ठीक है और राइट सो मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि कैसा होगा आपका बाउंडिंग ओनली टू कार्ड्स फिर मैं आपको नेम इनिशियल वगैरह बताऊंगी यहाँ पे सबसे पहले है आई एम ब्लेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज्यादा आप दोनों के बीच में डीप अंडरस्टैंडिंग होगी ठीक है रिलेशनशिप में और क्लियर होगा व्यू मतलब क्लियरिटी होगी रिश्ते में ठीक है और मेंटल मिनटल क्लियरिटी दिखाई दे रही है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपका मन शांत होगा आपका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होते हुए दिखाई पड़ रहा है वैसे आप स्पिरिचुअलिटी पे चल चुके हो लेकिन उस टाइम आप फुल full रहोगे फुलेस्ट मतलब पूरे हाई लेवल पे रहोगे ठीक है ये चीज़ है एक कार्ड और मैं आपको बताना चाहूँगी कैसा होगा आपका मैरिड लाइफ ओके सो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उसके बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से पूरी तरह कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो फिजिकली इमोशनली काफ़ी हायर लेवल पे ओके सो हायर लेवल के हो सकता है आप लोग सोलमेट हो और यहाँ पे इंथ्यूजियाटिकली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है लोग भी दिखेंगे तो कहेंगे यस yes, ये कपल बहुत अच्छा है सॉलिड कपल है एक दूसरे के लिए क्या है कमिटेड है ठीक है ये एनर्जी है सो अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे प्लीज कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज पाकिस्तान आइसलैंड इराक यूएसए नेपाल स्पेन इंडिया इजिप्ट कैनेडा चाइना जर्मनी एक लास्ट है वो आपका प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज अर्जेंटीना ओके सो ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं सो so अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कौन से स्टेट के होंगे ठीक है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज सबसे पहले यहाँ पे आया है केरला अरुणाचल प्रदेश झारखंड चंडीगढ़ सिक्किम गोवा छत्तीसगढ़ बिहार प्लीज कॉट गिव मी एकट मैसेज हिमाचल प्रदेश लद्दाख है पुंडीचेरी, दिल्ली मणिपुर, तमिलनाडु दो लास्ट है वो है उत्तर प्रदेश एंड आपका है आसाम ओके यहाँ पे दो है आसाम है एंड लक्षदीप है तो स्टेट्स है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट्स आए हैं आपके लिए ये सारे स्टेट आपके खुद के भी हो सकते हो सकता है आप खुद रहते हो एंड आपके पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ के अब मैं आपको बताना चाहूँगी आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या होगा ए आया है पहले ही ठीक है प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज क्या होगा इसके पर्सन का नेम इनिशियल मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा जेड यू सी एम है एक्स डी ई वी एल आई के बी एंड दो लास्ट में लूंगी है आपका टी एंड एफ ओके सो ये सारे नेम इनिशियल फर्स्ट नेम सेकेंड नेम थर्ड नेम मतलब कि सर नेम वगैरह भी हो सकता है इन सारे नेम इनिशियल से शुरू सो so, अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनसे आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे पार्क देन यहाँ पे आपके लिए टेम्पल ऑफ निच फैमिली में मिल सकते हो एंड देन एयरपोर्ट है अब्रॉड शोरूम है यहाँ पे आपके लिए कुछ लास्ट है ऐसे कि कैफे पुलिस स्टेशन है म्यूजियम है लाइब्रेरी है इंस्टीट्यूट एंड दो लास्ट है आपका वो है सिनेमा एंड पार्टी अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो नेचर वाइज कैसे होंगे एंड लुक्स वाइज कैसे होंगे ठीक है दोनों ही है इसमें सबसे पहले यहाँ पे ब्लू आइज ओके फेयर होंगे डायनेमिक एनर्जी होगी इस पर्सन की अट्रैक्टिव होंगे ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है चाइल्डिश नेचर होगा इस पर्सन का इनक्रेडिबल एनर्जी होगी ये पर्सन बहुत हम्बल होंगे सॉफ्ट हार्टेड होंगे पतले दुबले हो सकते हैं बोनी एंड रोमांटिक होंगे वाओ wow. एंड फिर से यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर कलर आया है काइंड होंगे डीप सेट आइस थिन लिप्स गॉडेस लुक होगा इस पर्सन का ओके दैट्स ग्रेट कर्व लिप्स स्टनिंग होंगे ये पर्सन ओके लॉन्ग हेयर हो सकता है इस पर्सन का इमोशनल होंगे ये पर्सन एंड नोस एक लास्ट है वो आपका प्रिटी ठीक है ये सारी एनर्जी है आपके पर्सन की लुक्स एंड नेचर दोनों ही है अब मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है ठीक है so, सो इससे आप अच्छे से गेस्ट कर पाओगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर लॉयर योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं ये पर्सन एंड देन है यहाँ पे एयर होस्टेस और राइट सिविल इंजीनियर होने के भी चांसेस हैं एंड देन हेयर ड्रेसर है मॉडल है ओके दैट्स ग्रेट स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं आई एस आई ऑफिसर हो सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर से है एंड आर्मी मैन हो सकते हैं नेवी ऑफिसर ठीक है officer, तो ये सारे मैसेजेस हैं एंड गेम मेकर है ब्यूटिशियन है मॉडल ब्यूटिशन इस तरह की एनर्जी है फैशन डिज़ाइनर सो एनर्जी आपके लिए काफ़ी अच्छी आई है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेम्बर बन जाइए और अगर आप लोग तो पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो ठीक है अपने शादी के बारे में जानना चाहते हो अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है ओके okay, सो so चलते हैं तब तक के ले बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी